हे हाय डियर फ्रेंड्स, होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं आपके लिए फिर से एक न्यू सक्सेस स्टोरी लेके आया हूँ। और आज मेरे साथ है आकांक्षा अग्रवाल। सी इज ऑल्सो रिसेंटली क्वालिफाइड CMA एंड सी सिक्योर्ड हर फर्स्ट जॉब इन CMA कैंपस प्लेसमेंट। और वेदांता में सिलेक्शन हुआ है एंड सी ऑल्सो गॉट ए पैकेज ऑफ 11.45 LPA। और सुनते हैं किस तरीके से आकांक्षा ने अपनी CMA जर्नी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया, फाउंडेशन से फाइनल तक क्या चैलेंजेज आए और कैसे उन्होंने टेकल किया, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की किसी क्लियर्ड हर एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। सो हाय आकांक्षा, हाउ आर यू? हेलो सर, आई एम फाइन। व्हाट अबाउट यू? या आई एम डूइंग ग्रेट एंड थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग माई इन्विटेशन एंड कमिंग ऑन माई प्लेटफॉर्म। नहीं, मुझे पहले भी ये रिकॉर्ड करना ही था, मुझे अपनी जर्नी बतानी ही थी पहले से ही। ओह ग्रेट सर, कभी तुमने मेरे चैनल पे सक्सेस स्टोरीज देखी थी? हाँ सर, पहले बहुत देखी है। मतलब मैं जब फाइनल में थी तब से ही मैं देख रही हूँ। मेरी सिस्टर ने भी रिकमेंड किया, नहीं रोहन सर का लो, वो बहुत अच्छे से कराते हैं। मैंने और भी, मतलब मेरी बहन ने भी और भी जन से मतलब फीडबैक ली थी कि नहीं रोहन सर कहीं लेना है जैसे भी। अभी वो बहुत एक्सपीरियंस भी है, वो अच्छे से तुमको गाइड करेंगे। अच्छा, जो सबने तुम्हें इतना रिकमेंडेशन किया, फोर्स भी किया मुझे ज्वाइन करने के लिए, मैं मतलब पर्सनली तो नहीं जानता, बट हाँ उनके जो एक्सपेक्टेशन थी और तुम्हारी जो एक्सपेक्टेशन थी, क्या मैं उसको मीटअप कर पाया या नहीं? हाँ सर, डेफिनेटली पूरा मीट कर पाया सर, क्योंकि आपने बहुत मतलब हर दिन GD कंडक्ट करा रहे हो एंड PI मतलब 2 to 3 times PI बिफोर इंटरव्यू। तो ये सबसे क्या मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि हाँ इंटरव्यू में वैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे सर ने पूछे थे, और वैसे ही क्वेश्चन भी वैसे ही थे जैसे आपने पूछे थे। और हाँ बस ये, हाँ कि GD कराना, मेरा पब्लिक कॉन्फिडेंस और इंग्लिश भी कहीं ना कहीं बहुत ठीक हुआ है, बेटर हुआ है एज कम्पेयर टू पास्ट वन। राइट, सो बेसिकली हुआ कंटिन्यू 1 month के अप्रोक्स हमारा GD चला था, तो वो एक बहुत हेल्प था सारे स्टूडेंट्स के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि लाइक मैंने जो लोग जिस एक्सपेक्टेशन के साथ मेरे पास आए थे, मैंने 100% ट्राई यही किया कि उनके एक्सपेक्टेशन को मैं मीट करूं, और उन सब का जो ड्रीम है कि कैंपस में सिलेक्शन हो, मैं उसको पूरी तरीके से कोशिश करूं कि फुलफिल हो। हाँ सर, डेफिनेटली सर, मतलब हम लोग के कैंपस में अराउंड मेरे को लगता है कि 8 to 10 कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने आपसे ही क्लास लिया, और हम लोग ने शेयर भी किया। नहीं बहुत हम लोग को बहुत ज्यादा ही हेल्पफुल था, बहुत हेल्पफुल। लाइक GD कंडक्ट कराना एवरी डे, हम लोग को न्यू न्यू टॉपिक के बारे में एक्सपोजर्स भी हो रहा था कि नहीं ऐसा ऐसा टॉपिक आ सकता है, हम लोग को नॉलेज मिल रहा था। एंड सर जो आपने टॉपिक दिया सेम टू सेम वही GD में टॉपिक रखे गए, लाइक द राइज ऑफ AI, ये सब कास्ट रिजर्वेशन सिस्टम, जितना आपने मतलब 90% वही GD के टॉपिक्स आए होंगे आपका किया। तो आप कहीं नहीं जाना है बाहर, सारे वहीं पे मिल जाएंगे। एंड सेम विद द बुक दैट यू हैव ऑफर इन योर चैनल, जो बुक बंडल से धनवेदा कॉस्ट अकाउंटिंग रिव्यू बुक सर, बहुत हेल्पफुल, बहुत हेल्पफुल। वो एकदम लेमैन लैंग्वेज में, कहीं बाहर रेफर नहीं करना पड़ेगा, सारे क्वेश्चंस 100% उसी से ही आएंगे ना। एश्योरेंस है मेरे तरफ से। अच्छा, वैसी बुक तुम्हें आज तक की हिस्ट्री में कहीं नहीं मिली होगी, इतने सिंपल लैंग्वेज में भी तुम्हें। एग्जाम्पल्स, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, मतलब बहुत अच्छे लैंग्वेज में बुक का एक बार पढ़ते कि नहीं हाँ ये समझ में नहीं आ रहा, बट आपका एक लाइन पढ़ते हैं कुछ दिमाग में छप जाता है, क्रिस्टल क्लियर वैसा। सब मतलब मेरा मतलब लास्ट में जितने भी मैंने चैलेंजेस फेस किए हैं बीइंग ए स्टूडेंट और बीइंग ए मेंटर, और जैसे मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, जो भी मैंने चैलेंजेस फेस किए उस अकॉर्डिंग मैंने वो सारी चीज़ें की है कि अपकमिंग CMAs को वो चैलेंजेस ना फेस करना पड़े। बस मेरा टारगेट यही था उन सारे बुक्स के पीछे। हाँ भैया, मतलब आपने बहुत हार्डवर्क किया है, और हम लोग का हार्डवर्क वो बहुत कम तरीके मतलब बहुत रिड्यूस हो गया है। हम लोग को कहीं बाहर रेफर नहीं करना पड़ा, कहीं भी नहीं, GST हो, इनकम टैक्स हो, इंडेक्स बहुत अच्छा, मतलब इंडेक्स का बुक से ही क्वेश्चंस आया था। लाइक अभी जो चेंज हो गया है, फाइव फाइव मॉडल ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन,
और धनवेदा तो सबसे बेस्ट था, धनवेदा एंड कॉस्ट अकाउंटिंग बुक जो था। एंड आपने वो भी मतलब वो भी मेंशन किया था कि इंटरव्यू में कैसे जाना है, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, कैसे ड्रेसअप होना है, मतलब आपका ऑल इन वन था, आपका जो सारा बुक था जो आपने प्रोवाइड किया ऑल इन वन, कहीं और बाहर मत जाओ, कहीं राइट, रेफर करने का कोई नीड नहीं है। अब स्टार्ट करते हैं तुम्हारी जर्नी। सबसे पहले आप थोड़ा सा बताओ, आप 10th 12th में आपकी स्टडी का, जैसे एक होता है ना कि कोई स्टूडेंट एवरेज होता है या फिर कुछ होते हैं कि शुरू से ही मुझे पढ़ना है, तो आप किस टाइप के कैटेगरी में थे, कि बिल्कुल पढ़ने वाले स्टूडेंट में या जस्ट एक एवरेज थे? जस्ट एक एवरेज, 10th में तो बिलो एवरेज एंड 11th 12th में एवरेज। आफ्टर तो हाँ, फिर स्टडीज में काफी चेंजेस आए, लाइफ को लेके सीरियस हुए कि नहीं आई हैव टू डू समथिंग, आई हैव टू अचीव समथिंग। तो हाँ वैसे जर्नी रहा है मेरा 10th में, एवरेज भी नहीं बोलेंगे, सब बिलो एवरेज बोलेंगे। मेरा बहुत मतलब पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। देन 11th 12th में अकाउंटिंग मेरे को इंट्रैक्ट करता था, अकाउंटिंग इकोनॉमिक्स कॉमर्स ये सब मुझे अट्रैक्ट करने लग गया, तो एवरेज पोजीशन में आ गए। हाँ नहीं कि ये वाला अच्छा है, मेरे को इसी लाइन में कहीं ना कहीं जाना है अगर 12th के बाद जाते हैं तो हाँ फिर 12th में, 12th के बाद मेरा फिर स्टडीज से मैं एक इंटरेस्ट आने लग गया, तो फिर पैशन भी बन जाता कहीं ना कहीं कि नहीं इसी इसी में कुछ कर लेते हैं। हाँ तो बस इसीलिए फिर सीएमए चूज कर लिया मैंने, एंड काउंसलिंग के लिए भी आए थे स्कूल में कि सीएमए के बारे में कोर्स के बारे में। आपने आपकी जो CMA फाउंडेशन जर्नी स्टार्ट हुई, तो आपने बताया काउंसलिंग, तो आपको CMA कैसे अट्रैक्ट किया? सीएम में अट्रैक्ट किया, एक तो इसका जब मैंने ज्वाइन किया था तो इसका आर्टिकलशिप इज अबाउट ओनली 6 मंथ, तो एंड एज कम्पेयर टू सीए तो उनका रहता है बहुत वास्ट पीरियड का, 3 ईयर्स का। तो मेरे को उतना मतलब मेरे को शॉर्टर कोर्स चाहिए था कि जो मैं कंप्लीट कर लूँ मतलब 3 से 4 साल में, तो बस इसीलिए सीएम में बस इसीलिए अट्रैक्ट किया कि नहीं मेरे को मतलब सारे एक्सपोजर्स भी मिल जाएंगे, इंडस्ट्री रिलेटेड प्रैक्टिकल भी मिल जाएंगे, शॉर्टर ड्यूरेशन भी है, तो बस सर इसलिए चूज किया। अच्छा, फाउंडेशन आपने किस तरीके से वन शॉट में आपने क्रैक किया, और आपने जैसा मुझे बताया कि आपने 2 मंथ में अपने फाउंडेशन क्रैक किया था, आपने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो किया? बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखेंगे, तो वो किस तरीके से वेरी शॉर्टर पीरियड में फाउंडेशन को क्रैक कर सकते हैं? फाउंडेशन में बेसिकली 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स होता है, इकोनॉमिक्स होता है, मैनेजमेंट होता है, एक लॉ रहता है, सॉरी एंड अकाउंट्स रहता है, अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट, ये पूरा क्लास 12th का रहता है, जितना ऑलमोस्ट 90% ऑफ द सिलेबस क्लास 12th का रहता है। खाली एक में मेरे को ज्यादा थोड़ा मेहनत करना पड़ा था लॉ, वो भी यूट्यूब में सारे लेक्चर्स अवेलेबल थे उस टाइम, एंड मैंने थोड़ा बहुत गाइडेंस ऑफलाइन क्लासेस से लिया कि मुझे आगे कैसे करना चाहिए, तो उन्होंने यहाँ गाइडेंस प्रोवाइड किया कुछ तो चैप्टर में जिसमें मुझे इश्यूज आ रहे थे कि नहीं समझ में आ रहा है। बेसिकली ये लॉ और मैथ्स में ही होता है क्योंकि जो दोनों में मेरा बहुत मतलब वीक थे थोड़े, तो बस यही 4ों सब्जेक्ट बहुत मतलब फाउंडेशन कोई भी इजली क्रैक कर लेगा क्योंकि उसमें सारे सिलेबस क्लास 12th के रहते हैं, क्लास 12th अगर अच्छे से पढ़े हो तो फाउंडेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, ग्रेट। सो क्लास 12th इज फाउंडेशन फॉर द फाउंडेशन। हाँ ओके, सो बात करते हैं देन आफ्टर क्वालिफाइंग, बिकॉज फाउंडेशन का एक लेवल अलग था, पैटर्न अलग था। देन व्हेन आप जब इंटरमीडिएट में आप आए, तो वहां पे 8 सब्जेक्ट थे और देन फिर डिस्क्रिप्टिव पेपर्स थे, तो आपने किस तरीके से उसको आपने अडॉप्ट किया और आपने अपनी स्ट्रेटजी बनाई कि आप वन शॉट में उस एग्जाम को क्रैक कर सकते? फाउंडेशन के बाद मैंने माइंड में पहले सेट कर लिया था कि मुझे 2 ग्रुप तो ऑफ कोर्स नहीं देना है क्योंकि इतना प्रेशर, जैसे मैंने सबको दे मतलब एक देख रहे थे कि नहीं 2 ग्रुप करना इज वेरी डिफिकल्ट, हम लोग को स्टडीज लीव भी एक दिन नहीं मिलता, तो मेरे को वैसा प्रेशर नहीं चाहिए था। मुझे था कि आराम आराम से निकालो, एक एक ग्रुप करके निकालो, मेरा शुरू से वही था कि एक एक ग्रुप करके निकालना है। फिर उसके बाद मैंने ऑफलाइन कोचिंग से लिया था, पहले मैंने एक ग्रुप बन दिया था ऑफलाइन कोचिंग एंड आधा यूट्यूब से रेफर करके, तो वो स्मूथली काफी चल रहा था, देन कोविड पीरियड आ गया तो मेरा थोड़ा सा स्टडीज मतलब हैम्पर हुआ कि एंड घर में भी इश्यूज था, को सब कोविड कोविड पॉजिटिव है, देन
हाँ फिर हुआ धीरे धीरे करते करते, जितना भी सिचुएशन था मैंने स्टडीज को कभी गिव अप नहीं किया। एवरी डे आई यूज टू सिट फॉर स्टडी एटलीस्ट 1-2 to 3 hours। तो बस यही मेरा था, यही मेरे को हेल्प किया कि मेरा सीएमए इंटरमीडिएट क्रैक करने में। एंड फिर उसके बाद इंस्टीट्यूट का न्यूज आ गया नोटिफिकेशन कि इस बार हम लोग ऑनलाइन कंडक्ट कराएंगे एग्जाम। उसमें भी हाँ थोड़ा मतलब लगा कि क्या कैसा पैटर्न देंगे, एंड पैटर्न भी पूरा चेंज हो रहा था। तो फिर भी हाँ फिर जैसे तैसे करके सर ग्रुप 1 दे दिया। उसमें भी मुझे लगा था कि नहीं नहीं ये वाला तो गया, मतलब पास नहीं होना है इसमें। लेकिन हाँ फिर भी बाय गॉड ग्रेस पास हो गए। एंड फॉर ग्रुप 2 इज आई थिंक 30% ऑफ ग्रुप 1, मतलब काफी सिमिलर सब्जेक्ट है अकाउंटिंग। एंड अकाउंटिंग मेरे को सब्जेक्ट भी अच्छे से याद नहीं आ रहे हैं क्योंकि बहुत 2 to 3 years हो गया है। तो हाँ ग्रुप 2 काफी इजी था ग्रुप 1 से। तो हाँ मैंने वो खाली वही डेली रिविजन करते करते एंड यूट्यूब ऑनलाइन कोचिंग से ही बहुत हेल्प किया, देन हाँ वो हो गया क्लियर। सो देन फाइनल, क्योंकि फाइनल में फिर अगेन आपके लिए ऑफलाइन पेपर था, तो आपको क्या ऑनलाइन अच्छा लगा या ऑफलाइन पेपर दे के अच्छा लगा, क्योंकि आपने दोनों ही दिए? हाँ दोनों दिया मुझे, ऑफ कोर्स ऑफलाइन अच्छा लगा क्योंकि ऑनलाइन में हम फेस कर रहा था कि मैंने फेस कर रहे थे कि कैसा जो पेपर आ रहा है ना तो क्वेश्चन दिख नहीं रहा था, और जैसे एक स्क्रीन तो छोटा रहता है सर, एंड क्वेश्चन बहुत सारे हम लोग के बहुत बड़े बड़े थे, अराउंड 1 to 2 पेज, तो बहुत डिफिकल्ट हो रहा था रीड करने में। एंड हम लोग ऑफलाइन में पेन से मार्क कर लेते कुछ कुछ पॉइंट जो हाईलाइट करना रहता है, उसमें वो सब हम लोग को कुछ मिला नहीं अपॉर्चुनिटी की कहाँ से मार्क कर रहे हैं। एंड क्वेश्चन इतना लेंदी आ रहा था कि मतलब पेजेस पेजेस भी कुछ कुछ मतलब मिस हो रहे थे। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा हुआ था कि OMSM का पेपर था तो लॉक खुल गया था। तो ऑनलाइन तो मैनेजमेंट एकदम मतलब सही भी नहीं था क्योंकि एकदम न्यू था ऑनलाइन सबके लिए, एंड क्वेश्चंस भी मतलब आगे दिख रहे थे आगे नहीं दिख रहे थे, तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। एंड फिर ऑफलाइन तो बहुत ईजी था क्योंकि मैंने फाउंडेशन में ऑफलाइन पेपर ही दिया था, तो मुझे पता था कहीं ना कहीं कि ऑफलाइन ये लोग कैसे सेट करते हैं। स्कैनर में तो है ही कि हाँ ऐसा पैटर्न रहता है, ऑफलाइन का एमसीक्यू रहता है, ये चैप्टर इतना वेटेज का रहता है। ऑनलाइन में तो वो लोग फॉलो भी नहीं कर रहे थे वेटेज, तो बहुत ज्यादा ही ये इशू था, मतलब चैलेंजिंग था एक टाइप का। अच्छा, लाइक आपने फाइनल भी अपने बोथ ग्रुप फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, सो ओवरऑल आपके मार्क्स अगर मैं पूछूँ तो आपके कितने परसेंटेज बने सीएमए में? ओवरऑल अगर मार्क्स पूछो तो मेरे 65.62.05 था सर। एग्रीगेट ना यू आर टॉकिंग अबाउट एग्रीगेट या की एग्रीगेट? ग्रुप वाइज नो नो एग्रीगेट, 62.05, ओके 62.05। ओके ग्रेट। अच्छा, लाइक आपने जैसे फाइनल में सिंगल सिंगल ग्रुप दिया, इंटर में भी सिंगल सिंगल ग्रुप दिया, वन शॉट में क्लियर किया, तो बेसिकली आपके रिवीजन करने की क्या स्ट्रेटेजी रहती थी? सर रिवीजन करने की सबसे पहले मेरा माइंड था कि मेरे को क्लास कंप्लीट करना है, और ऐसा नहीं कि खाली क्लास कंप्लीट करना है, सेल्फ स्टडी भी इम्पोर्टेंट है। जो आज पढ़ा क्लासेस किया उसको जाके रात में एक बार पढ़ना है फिर से, ना तो कंप्लीटिंग द क्लास कम से कम 4 एग्जाम, 4 to 5 times रिविजन इज द मस्ट। एंड मैंने खुद सारे चैप्टर थ्योरी चैप्टर फॉर्मूला बुक ये सारे प्रिपेयर किया मैंने कि नहीं मुझे बुक्स और रेफर नहीं करना एग्जाम से पहले, मैं को ये समरी नोट देख के जाना है। जैसे आपका है जैसे सर बुक है आपका संवेदा बुक, वैसा ही टाइप का मैंने भी प्रिपेयर किया था, नहीं चार्ट प्रिपेयर किया था, मेरे को बस यही देख के जाना है। और सर रिविजन तो बहुत ज्यादा नेसेसरी है, 4 to 5 times रिविजन के बिना कुछ नहीं होगा। स्कैनर पढ़ना, MTP आर्टिफिशियल क्वेश्चन, तो सर ये सब स्ट्रेटेजी है। एंड हम लोग को फोकस भी करना पड़ेगा, वर्किंग लाइफ भी उस समय आ जाता है एंड पढ़ने वाले लाइफ भी, तो दोनों को मैनेज करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली हम लोग को उस टाइम टाइम मैनेजमेंट वाले तकनीक अप्लाई करना पड़ेगा। राइट राइट। सो आफ्टर क्वालिफाइंग, लाइक जब आपका एस सी एम ए फाइनल क्वालिफाई हुआ, उस दिन रिजल्ट सिर्फ मॉर्निंग में आया था इस वर्ष सबका, तो लाइक आप किस सिचुएशन में थे, लाइक अचानक से आँख खुला और रिजल्ट सामने? नहीं वैसा नहीं, मेरे को तो पता भी नहीं था, मेरे को लगा था नहीं प्रैंक होगा, रिजल्ट
बिल्कुल नहीं आने वाले, क्योंकि 1 डे बिफोर आने वाले थे कि ऐसे सबने अनाउंस कर दिया था, वैसा कुछ हुआ था, लेकिन नहीं है, तो मेरे को बिल्कुल नहीं पता था कि नहीं दूसरे दिन भी आने वाले हैं। तो फिर मेरी सिस्टर ने देखा, क्योंकि सी यूज टू गेट अप एट 5 और 5:30 है, तो उसने देखा कि मैसेज क्लिक हो रहा है, नहीं सीएम रिजल्ट डिक्लेयर। तो उसको भी एक बार लगा नहीं प्रैंक हो सकता है ये, मतलब अचानक कभी इंस्टीट्यूट ने कभी सुबह डिक्लेयर नहीं किया है। तो फिर उसने चेक किया, तो कहा कि हाँ नहीं ये रियल है। फिर उसने चेक किया अपना रिजल्ट, फिर वो आके मेरे को उठाई, नहीं वो सही रिजल्ट निकल गया है, रिजल्ट निकल गया है। तो मेरे को तो कहीं ना कहीं पता था, मैंने चेक कर ली, नॉट कम्प्लीटेड आएगा, पक्का नॉट कम्प्लीटेड आएगा, क्योंकि मैंने ग्रुप 3 के लिए 5 मंथ्स में पूरा लेक्चर प्लस रिविजन किया था। तो एंड मैंने सबसे रिव्यू लिया था कि ग्रुप 3 के लिए कितने मंथ चाहिए प्रिपेयर करने के लिए, सबने बोला था कि अराउंड 7 to 8 months चाहिए, क्योंकि बहुत टफ है ग्रुप 3। तो बस वैसे ही, फिर उसके बाद अचानक से देखना कॉन्ग्रेचुलेशन सर, वो उस समय का एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो क्या दिन था, मतलब अभी भी मस्मराइज हो जाता है कि बहुत अच्छा दिन था। अचानक कॉन्ग्रेचुलेशन देखना, एक टैग लग जाना कि नहीं अब आई एम सीएम आकांक्षा अग्रवाल, तो वो सब कभी बहुत मेमोरेबल था। तो आफ्टर दैट फिर आप मेरे को आपने कनेक्ट किया, लाइक आपकी सिस्टर ने आपको सजेस्ट किया था राइट, आपने जैसे स्टार्टिंग में आपने बताया। ओके सो देन फिर वहां से कैंपस तक की जर्नी थी। हाँ बोलो आप। हाँ, जैसे मैंने सर आपको मैसेज भी किया था, आपको याद है कि नहीं, कि आप मतलब गाइड करो कि मेरे को आगे क्या करना है। मेरा सीएमए क्लियर हो गया है, अब मुझे समझ में नहीं आया कि कैंपस में के लिए क्या क्या प्रिपरेशन चाहिए होगा। तो सर फिर आपने मुझे लिंक शेयर किया कि तुम यहाँ से परचेज कर सकती हो, एंड मुझे हाँ पहले भी फीडबैक मिल चुका है, मतलब अराउंड 6 to 7 कैंडिडेट से मैंने पूछा था कि हाँ सबका पॉजिटिव रिव्यू था आपके लिए, किसी का एक भी नेगेटिव नहीं था, 100% पॉजिटिव। तो बस सर फिर मैंने परचेज करी, आपसे बात करके किया था सर, आपको याद होगा कि नहीं पता नहीं। हाँ तो बस सर याद फिर नहीं है मेरे आपने को, हर सारे बच्चों ने मैसेज किया था तो लाइक। हाँ याद तो नहीं, हाँ हाँ डेफिनेटली जिसने भी मेरे से बात किया होगा उसको मैंने काफी अच्छे से समझाया, ऐसा नहीं कि मैंने जल्दी में कुछ बताया और सीधे बोल दिया कि ऐसा जाके कर लूँ। हाँ हाँ सर आपने मतलब मेरे को लगता है 2-3 वीडियो भी सेंड किए थे, बोले कुछ भी डाउट आ रहा है एक बार ये वाला वीडियो देख लो, डाउट नहीं आएगा कभी राइट। जर्नी सबका। तो हाँ, फिर तब से मैंने सोच लिया हाँ क्लास लेना है, अब 1 month है खाली प्रिपरेशन को, अब मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। मतलब मेरा इंग्लिश भी उतना सही नहीं था, एंड प्लस मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था जो पब्लिक स्पीकिंग एंड जीडी जीडी के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। फिर सर सारे चीज पीआई से लेके स्टडी से लेके जीडी सर सब आपके क्लास से मिला है सर, हर दिन मतलब आप पूरे 1 month अराउंड जीडी कंडक्ट कराए विद डिफरेंट टॉपिक्स, इंस्टेंट टॉपिक देना कभी कभी कि हाँ अच्छा तुम लोग ये लो और टॉपिक कब स्टार्ट कर दे डिस्कशन। हाँ तो सर कहीं ना कहीं हम लोग का इंग्लिश भी इंप्रूव हुआ उससे, कॉन्फिडेंस भी आया, और अपने इनर को भी जाने कि नहीं हम लोग बोल सकते हैं, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो हम लोग नहीं पार्टिसिपेट कर सकते। सो बेसिकली अगर मैं खुद के बारे में पूछूं कि आप मुझे क्या रेटिंग दोगे आउट ऑफ जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी, तो आपका क्या रिस्पॉन्स रहेगा? तो रेटिंग 10 out of 10, तो पूरा रेटिंग, क्योंकि सर आज मेरा जो क्लियर भी हुआ सर, जिस दिन मेरा वेदांता में हुआ था सर, सबसे पहले मैंने आपको ही मैसेज किया था कि सर हाँ जो मेरा हुआ है वेदांता में, इट इज बिकॉज ऑफ यू, मतलब आपने जो प्रिपरेशन कराया सर बिफोर 1 day, आपने पीआई कंडक्ट कराया अराउंड मेरे को लगता है 10 to 15 स्टूडेंट्स से लगातार सुबह से लेकर रात तक, तो सर आपका हार्डवर्क भी हम लोग पे कहीं ना कहीं हाँ सिर्फ बनाने में हेल्प किया है हम लोग को। डेफिनेटली एक्चुअली मेरा टारगेट यही था कि लाइक मैं लास्ट जो पी आई था मैंने आप लोग को 1 1 आवर के अप्रोक्स का मैंने टाइम ड्यूरेशन फिक्स किया था कि मैं थोड़ा सा हाँ वन लंबा वाला और ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ सकूँ आप लोग से कि एग्जैक्टली आपको और आइडिया लगे। तो मेरा भी यही टारगेट था। देखो मेरा, मैंने अभी पहले भी बोला था, मेरा ये टारगेट नहीं है कि जस्ट फॉर मनी, मेरा बस ये टारगेट है कि एक मिनिमम अमाउंट है जिससे एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक कनेक्टिविटी बने, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग जो मेरे पास है वो हैप्पी फेस के साथ जाए, ठीक है? ये मेरा सेकेंड और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टारगेट है। तो मनी मेरे लिए हाँ हमेशा सर वो ना, जरूरी था। हाँ सर वो तो दिखा ही सर, इतने अफोर्डेबल प्राइस में
आज में मेरे को कहीं पे भी नहीं मिला, मैंने बहुत रिसर्च किया मेरे को कहीं नहीं मिला इतना अफोर्डेबल मनी में। हर दिन मतलब 1 मंथ ऑफ जीडी क्लासेस, मतलब हम लोग का जो कंपनी था उसके बारे में भी आपने रिसर्च करके दिया कि नहीं नहीं ये क्वेश्चन करके दो, ये रिसर्च किया मैंने, ये सब न्यूज है, तुम लोग ये सब प्रिपेयर करके जाओ। एंड लिटरली वहां से उन्होंने क्वेश्चन भी पूछा कि आप क्या जानते हो, हाउ डू यू, व्हाई डू यू लाइक टू ज्वाइन अस, ये सारे क्वेश्चन कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन सारे आपने जो प्रिपेयर कराए सर, 90% वहीं से क्वेश्चन था। तो मतलब मेरा नॉलेज और लाइक मेरी जो टेक्नोलॉजी थी दोनों दोनों सुपर फास्ट थी। डेफिनेटली सर, पूरी सुपर फास्ट थी सर, बहुत अच्छा सर। मतलब और मतलब मैंने और जहां से भी देखा है कि और सारे फैकल्टी या जो मतलब फैकल्टी उतने हेल्पफुल नहीं होंगे मे बी, लेकिन आपने मतलब बोल रहे ना, मतलब फॉर वन डे ऑफ PI आपने पूरा जितना इन्फॉर्मेशन हो सकता था कंपनीज के बारे में, क्या क्या पूछ सकते सर, सारे आपने गैदर कर करके हम लोग को ग्रुप में भेजा कि नहीं हम लोग के लिए इजी हो, हम लोग को ज्यादा रिसर्च नहीं करना पड़े, हम लोग को बस प्रिपेयर करना पड़े, एक ही फोकस रहे। सो लाइक ना अभी तक मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैंने किसी भी फैकल्टी का कोई कोर्स कैरिकुलम नहीं देखा है, कौन क्या पढ़ा रहे हैं, क्या फीस चार्ज कर रहे हैं, कुछ नहीं। बस मैंने अपना कोर्स कैरिकुलम बनाया है और मुझे विश्वास है कि जो मैंने बनाया है वो वन ऑफ द बेस्ट होगा और वो हो रहा है। हाँ सर, मतलब सर जिससे भी सुनो, मतलब जिसकी भी रिकमेंडेशन लो आजकल, अभी जो 2-3 ईयर्स में ये हो रहा है बेसिकली, तो जिससे भी रिव्यू लो किसका क्लास लेना चाहिए प्लेसमेंट के बीच में, सब सब आपका ही नेम रिकमेंड करते हैं सर, सब आपका ही, मेरे कोई मतलब 5 to 6 बोले स्टूडेंट्स आपका ही नाम रिकमेंड किए कि नहीं इनका ले लो, इनका बेस्ट है, तुमको रिग्रेट कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, और बहुत अफोर्डेबल है सर, कभी मेरे को तो मतलब रिग्रेट है ही नहीं कि कोर्स क्यों, अगर नहीं लेते तो मेरे को रिग्रेट होता कि नहीं क्लास लेना चाहिए, ये क्या अगर आज ले लेते तो शायद मेरा और अच्छा हो जाता, मतलब वैसा रहता कि अगर हो सकता है ना सर कि सिलेक्शन नहीं हो पाता मेरा वेदांता में। हाँ अभी भी देखो तुम लोग सिलेक्शन हो गया है, अभी सैलरी ब्रेकअप मैं तुम्हें बता रहा हूँ पहले वेदांता से पहले। हम लोग को कुछ नहीं नॉलेज था कि हाँ ऐसा डिडक्शन होगा, ज्वाइनिंग पीरियड इतना, हम लोग को तो कुछ आइडिया नहीं कि हैंग इतना मिलेगा सर, सारे इन्फॉर्मेशन गैदर कर करके आप पहुंचा रहे हम लोग तक, और हम लोग को हाँ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि नहीं ऐसा होने वाला है। चलो कोई नहीं, बस फ्यूचर में भी कनेक्ट में रहना, एंड जहां भी लगे कि मुझे कोई जरूरत है या कहीं तुम्हें स्टक करती हो तो डेफिनेटली कनेक्ट करना, आई विल ऑलवेज ट्राई टू हेल्प यू। ऐसा मत सोचना कि मेरा प्लेसमेंट हो गया है तो अब मैं सर को कैसे कनेक्ट कर सकती हूँ, भैया को कैसे कनेक्ट कर सकती हूँ। मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ सारे स्टूडेंट्स के लिए, अभी भी लास्ट बैच वाले सारे स्टूडेंट्स मेरे से कनेक्टेड रहते हैं, 2-4 दिन में एक बार उनका मैसेज आ जाता है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर ऑल्सो। या थैंक यू सर, डेफिनेटली सर बिल्कुल कनेक्ट नहीं छोड़ना है, कल को मेरे को और भी इश्यूज आ सकते हैं वेदांता में जाने के बाद, तो सर सॉल्व तो आप ही करिए। वेदांता में जाने के बाद हो सकता है या फिर फ्यूचर में, देखो अभी तुम्हारी एज अभी लर्निंग के, तो इट मे पॉसिबल फ्यूचर में बहुत सारी चीजें जो तुम करना चाहती हो, एंड ऑल्सो भी जिंदगी अभी बहुत बची हुई है, सो यू नीड टू डू मेनी थिंग इन योर लाइफ, मेनी अचीवमेंट्स यू वॉन्ट टू अचीव इन योर लाइफ, सो एक मेंटर हमेशा हर किसी को लाइफ में चाहिए होता है, सो जस्ट फोकस ऑन दिस थिंग्स, एंड मैं हमेशा यही दुआ करूंगा सबके साथ अच्छा हो। हाँ सर डेफिनेटली सर, और थैंक यू सर मतलब इतना गाइडेंस देने के लिए, हमेशा 24 आवर्स अवेलेबल होने के लिए फॉर मेंटरिंग मी, फॉर गाइडिंग मी, थैंक यू। ओके थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।